नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा डिप्टी रेंजर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 और कैटेगरी नंबर 11 के अंतर्गत 18 जुलाई 2017 को नून शिफ्ट में आयोजित हुई। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में 25 प्रश्न हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए। आज हम पहले पार्ट में 12 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन है अकबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 20 अप्रैल 1526 को हुई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और इसके अतिरिक्त पानीपत की दो और लड़ाइयां हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हेमू मारा गया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी रिक्त स्थान है। ऑप्शन है करनाल, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। और यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के मंदिर के कारण इसका यह नाम पड़ा। और यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है और भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए एक सीट आवंटित है। और वर्तमान में 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती किरण खेर यहाँ से सांसद हैं। और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चंडीगढ़ से कोई भी सीट आवंटित नहीं है। और चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर हैं। और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन रिक्त स्थान के पुत्र थे। ऑप्शन है कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी और ये बड़े ही प्रतापी राजा थे। इनके दो पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्र हर्षवर्धन और राज्यवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री का विवाह ग्रीवर्वन से हुआ, जो मोखरी वंश का शासक था। और इससे पुष्यभूति वंश के संबंध मोखरी वंश से हो गए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्यवर्धन शासक बना। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1 नवंबर 1968 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1967 को, 1 दिसंबर 1966 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पहले यह प्रदेश पंजाब का एक भाग था, परंतु 1 नवंबर 1966 को इसे अलग कर पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। और हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद और गुड़गांव का वर्तमान में नाम गुरुग्राम है। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी बना 16 नवंबर 2016 को। और वर्तमान में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है। अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और करनाल और फरीदाबाद नए मंडल हैं। रोहतक मंडल में सर्वाधिक 5 जिले आते हैं। और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 90 विधानसभा की सीटें हैं। और 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं
और 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है करनाल, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए करनाल। हरियाणा में 3 डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है, जिसमें पहला 26 मार्च 2017 को करनाल में खोला गया, तो इसके अतिरिक्त बाकी 2 हिसार और फरीदाबाद में जल्द खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पानीपत, थानेसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी थानेसर। अगर मैं बात करूं प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजाश्री के पति गिरिवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त तथा गोड नरेश संसाक ने मिलकर की थी और राजाश्री को बंदी बना लिया था, और जब राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र अपनी बहन को बचाने आगे बढ़े तो उसकी भी हत्या धोखे से कर दी गई और उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और उस वक्त उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। और अगर बात करें हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन साहित्य और कला का पोषक भी था। हर्ष स्वयं पंडित था और वीणा भी बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अगला प्रश्न है, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? ऑप्शन है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आमिर खान। 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित दंगल में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था और यह फिल्म महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित थी और इनका जन्म भिवानी में हुआ था और महावीर सिंह फोगाट एक भारतीय शौकिया पहलवान एवं वरिष्ठ ओलंपिक कोच रहे और भारत सरकार द्वारा इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी 4 बेटियां हैं और 4 कुश्ती पहलवान हैं। गीता फोगाट कुश्ती में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और बबीता फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं और इसके अतिरिक्त रितु और संगीता फोगाट भी कुश्ती में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। संसद के निम्न सदन लोकसभा की हरियाणा राज्य में 10 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटें सामान्य श्रेणी और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। देश की 16वीं लोकसभा के लिए हरियाणा से सांसद हैं कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी बीजेपी पार्टी से, करनाल से अश्विनी चोपड़ा बीजेपी पार्टी से, सोनीपत से रमेश चंद्र बीजेपी पार्टी से, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पार्टी से हैं और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर बीजेपी पार्टी से, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, हिसार से दुष्यंत चौटाला INLD से और बाकी बची 2 अनुसूचित सीटों के लिए अंबाला से रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी से और सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी इनेलो पार्टी से। तो इस प्रकार 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर INLD के सांसद हैं। अगला प्रश्न है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था और वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने, जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे। वर्ष 1925 से 30 तक ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन वालिया के साथ रहे। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला और 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई रिक्तस्थान की काव्यात्मक कृतियां हैं। ऑप्शन है खुशीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, तुलसीदास शर्मा और दीनदयाल शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी तुलसीदास शर्मा। तुलसीदास शर्मा की जो मेन जो काव्य हैं वो भट्ट भारती, सत्याग्रही, मीरा मतवाली,
सतसई, और वो एक कवि कवि थे, और हरियाणा के जाने माने कवियों में उनका नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल की और 5000 रन बनाए हैं? ऑप्शन है अजीत अगरकर, अमित मिश्रा, कपिल देव, मनोज प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपिल देव। कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है और इनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था, और ये दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज कपिल देव भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गणना होती है, और वे भारतीय क्रिकेट के कप्तान पद पर रह चुके हैं। 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान थे, और उनके नेतृत्व में ही टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया। वे विजडन द्वारा 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर चुने गए, और वे 10 महीने तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। उन्होंने 131 टेस्ट मैच और 225 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना प्रदर्शन दिखाया, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 434 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तथा वर्ष 1994 में क्रिकेट से संन्यास ग्रहण किया, और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? ऑप्शन है भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी और हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिवानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।